हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 360 कनेक्ट फाइनेंस। आई एम योर होस्ट सौरभ सक्सेना। आज के वीडियो में हम नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में बात करेंगे। जो भी आज हम स्टेप्स देखेंगे वो सभी स्टेप्स एनपीएस के मोबाइल ऐप, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस डिवाइसेस जैसे कि आईपैड या आईफोन, उस पर सेम रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस लॉग इन इनटू एनपीएस पोर्टल। तो अब हम एनपीएस के पोर्टल पे चलते हैं। आपको यहाँ यूजर आईडी में अपना प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर डालना है, पासवर्ड में जो भी आपको पासवर्ड मिला है या जो भी आपने पासवर्ड रीसेट किया है, और कैप्चा में इसको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो डाल देते हैं। और यहां आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब मैं एनपीएस के पोर्टल में लॉगिन कर चुका हूं। अब मैं यहां ट्रांजैक्ट ऑनलाइन मेनू पे क्लिक करूंगा जो लेफ्ट मोस्ट पे है। अब हम यहां चेंज स्कीम प्रेफरेंस पर क्लिक कर देंगे। फॉर टीयर टू अकाउंट आपको यहाँ टीयर टाइप में टीयर टू सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो स्कीम प्रेफरेंस में फॉर टीयर टू अकाउंट दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है एक्टिव चॉइस, दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप मैक्सिमम 75% इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टिल एज 50, और 50 के बाद आपका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा एंड 60 तक वो कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होकर 50% हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कीम करेंटली एक्टिव चॉइस है, जिसमें मेरा इक्विटी का कंट्रीब्यूशन 75%, कॉर्पोरेट डेट में 10%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 15% है। ये तीन ही एसेट क्लास अवेलेबल हैं टीयर टू अकाउंट में। टीयर वन अकाउंट में एक एसेट क्लास एक्स्ट्रा अवेलेबल है फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो मैं अपने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्कीम प्रेफरेंस चेकबॉक्स को टिक करते हैं एक्टिव से ऑटो में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। आपको ऑटो चॉइस के ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑटो चॉइस में भी तीन ऑप्शन है, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट। एग्रेसिव का मीनिंग है आप 75% तक इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब है आप मैक्सिमम 25% इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड मॉडरेट 50%, एंड आफ्टर एज 35 हर ईयर 4% आपका इक्विटी में एक्सपोजर कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हूं तो मैंने यहां एग्रेसिव पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। इस तरीके से मैंने यहां सबमिट पे क्लिक कर दिया है। यहां पे आपको दिख रहा है स्कीम प्रेफरेंस चेंज फ्लैग यस, जो हमने लास्ट स्क्रीन पर किया है, और जो मैंने सिलेक्ट किया है स्कीम प्रेफरेंस टाइप एग्रेसिव ऑटो। यहाँ मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी मिलेगा जिसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा तथा आपको नोटिफिकेशन ईमेल या एसएमएस के द्वारा भी मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है स्कीम प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। यहाँ से एनपीएस 3 से 4 दिन लेती है आपकी स्कीम को चेंज करने के लिए, और आप जब आपकी स्कीम चेंज हो जाती है तो आप अपनी न्यू चेंज स्कीम को इस पोर्टल में या अपने मोबाइल ऐप के द्वारा भी देख सकते हैं। यदि आपको आपकी ऑटो स्कीम है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, यदि या आपकी एक्टिव स्कीम ऑलरेडी है आपको इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चेंज करना है, यदि आपकी एक्टिव स्कीम है, और यदि आपकी यहाँ पे ऑटो थी तो आपको ये बॉक्स भी सिलेक्ट कर लेना है, वो अपने आप ही एक्टिव आपको शो करेगा। चूंकि मेरी स्कीम ऑलरेडी एक्टिव है तो मैंने सिर्फ
एक्टिव प्रेफरेंस चेंज पे क्लिक किया है और मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो भी आपकी एसेट क्लास है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन किस स्कीम के अगेंस्ट में डालना है। सपोजिंगली कॉरपोरेट डेट में अभी मैं करेंटली 10% कर रहा हूँ, मुझे 15% कंट्रीब्यूट करना है। मुझे इक्विटी में करेंटली मैं 75 कर रहा हूँ, मुझे 65 करना है। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में मुझे 20% करना है। तो आपको याद रखना है कि ये जो भी इसका सम हो वो 100 होना चाहिए। सो 15 एंड 65, 80 एंड 20, 100, इसका टोटल 100 होना चाहिए। और यहाँ पेंशन फंड मैनेजर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पेंशन फंड मैनेजर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हर एसेट क्लास के लिए पेंशन फंड मैनेजर सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देगा स्कीम प्रेफरेंस जो एक्टिव चॉइस है और मेरा स्कीम प्रेफरेंस चेंज फ्लैग यस है। और ये जो भी मैंने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट किया है, अब मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी आपको रिसीव होता है, वो ओटीपी आप इस बॉक्स में एंटर कर देंगे एंड सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए, आपका एक नोटिफिकेशन एसएमएस के द्वारा तथा ईमेल के द्वारा आपको मिल जाएगा। वहां से एनपीएस 3 से 4 दिन लेगा आपकी स्कीम प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरीके से टीयर 2 अकाउंट में स्कीम प्रेफरेंस चेंज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जानना है कि पेंशन फंड मैनेजर को कब चेंज करना चाहिए या क्या पैरामीटर देखने चाहिए किसी भी पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करने के लिए, या आपको कौन सी स्कीम अडॉप्ट करनी है एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के लिए, देयर आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो आपको कौन सी एसेट क्लास चूज करनी चाहिए, उसका परसेंटेज एलोकेशन डिफरेंट एसेट क्लास का इक्विटी में, डेट में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में कितना होना चाहिए, आपकी स्कीम एक्टिव चॉइस होनी चाहिए या ऑटो चॉइस, यदि आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप फील फ्री मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो इफ यू लाइक माय एफर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय दिस चैनल। टिल देन, बाय बाय।